हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं किम्स आईपीओ के बारे में। तो किम्स आईपीओ का आज लास्ट डेट है सब्सक्रिप्शन का, जो 16 जून को ओपन हुआ था, ये आज है 18 जून, और 18 जून का आज इसका लास्ट डेट सब्सक्रिप्शन का। तो चलिए अपन देख लेते हैं इसका पहले सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है कल तक की डेट का और आज कितना हुआ है। आज तो 10 बजे शुरू हुआ था, अभी आधा घंटा ही हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट डे इसका सब्सक्रिप्शन हुआ था 0.27%, और आज कल इसका सब्सक्रिप्शन होता 0.56 टाइम्स, और आज की डेट में अभी तक इसका हुआ टोटल 0.59 टाइम्स हुआ है अभी तक। तो आज तीसरा दिन है और अभी तक ये फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ है, अभी आधा ही सब्सक्राइब हुआ है। तो उम्मीद है कि आज ये फुल्ली सब्सक्राइब हो जाएगा और हो सकता कुछ और सब्सक्राइब भी हो जाए, लेकिन अभी तक इसका काफ़ी कम सब्सक्रिप्शन रहा है देखा जाए तो, क्योंकि ये फर्स्ट डे फुल्ली सब्सक्राइब हो जाना चाहिए था, लेकिन आईपीओ का साइज थोड़ा बड़ा है उसकी वजह से ये थोड़ा कम सब्सक्राइब हुआ है। तो चलिए इसका अपन देख लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है इसका। तो सबसे पहले मैं आपको लेके आया हूँ इसका मिंट की वेबसाइट पर, जहाँ पर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम दे रखा है 75 रुपीज़। तो जैसे कि पहले ये एक दिन पहले 60 रुपीज़ था और आज 75 रुपीज़ उन्होंने दे रखा है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम मिंट की वेबसाइट पर। और अगली वेबसाइट पर ले चलता हूँ मैं आपको आईपीओ वॉच पर। तो आईपीओ वॉच पर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आज देखें तो 18 जून का 50 रुपये पर शेयर दे रखा है यहाँ पर, आज 18 जून, और कल इसका 70 रुपीज़ था, आज 50 रुपीज़ दे रखा है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। और दूसरी वेबसाइट पर अब मैं आपको ले चलता हूँ, तो ये है इन्वेस्टर्स अकेडमी की वेबसाइट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कल की डेट का दे रखा है 70 रुपीज़ पर शेयर, जो कि अगर परसेंटेज में आप कैलकुलेट करोगे तो ये 8-10% का आपको प्रीमियम दिखाएगा, क्योंकि कट ऑफ प्राइस 8.25 रुपीज़ पर शेयर है, और इसका अभी जो प्रीमियम चल रहा है वो 10% का प्रोफ देख सकते हैं आप, यहाँ पर कट ऑफ प्राइस है 8.15 से 8.25, तो आपको 8.25 पर शेयर मिलेगा, और इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 70 रुपीज़, तो आप 70 रुपीज़ को निकालेंगे परसेंटेज में, 8-10% का आपको इसमें लिस्टिंग गेन मिलने के भी चांसेस है। इसके अलावा अपन देख लेते हैं चाणक्य की वेबसाइट पर, तो इस पर भी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आज का दिखा रहा है 71-75, 18 जून है आज। तो ओवरऑल इसका आज की डेट का प्रीमियम देखा जाए तो 70 रुपीज़ चल रहा है इसका, 70 रुपीज़ एवरेज, जो कि 8-10% के आसपास चल रहा है, तो ये आपको लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस हैं। और आज की डेट में इसका सब्सक्रिप्शन भी हुआ नहीं है, तो अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको अलॉट में मिलने के भी पूरे पूरे चांसेस है इसमें। और यही है इसका, अगर मार्केट में थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है मार्केट के हिसाब से, लेकिन आपको 10% का भी आप मान के चलते हो लिस्टिंग गेन, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको इतना लिस्टिंग गेन चाहिए तो, क्योंकि इसमें अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, यदि आप अप्लाई करते हो तो आपको डेफिनेटली इसमें अलॉटमेंट मिल जाएगा, क्योंकि और सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं हुआ है अभी तक। तो यही था इस वीडियो में। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो एक और आईपीओ भी चल रहा है, वो है डोल्डा डेयरी का, तो उसका भी ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी, और उसका सब्सक्रिप्शन आज की डेट में अपन देखेंगे। तो मैं दिखा देता हूँ आपको डोल्डा की वेबसाइट पर, डोल्डा डेयरी लिमिटेड का आईपीओ, और इसका सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो आज 3-6 टाइम्स हो चुका है अभी तक, और शाम तक उम्मीद है काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन जाएगा, क्योंकि अभी QIB और NII का अभी तक बिल्कुल भी सब्सक्रिप्शन यहाँ पर हुआ नहीं है, वो आपको 2 बजे बाद ही देखने को मिलेगा, तो 2 बजे के बाद ही पता चलेगा कि इसका कितना सब्सक्रिप्शन जाता है, उस हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम भी चेंज हो सकता है। तो यही था इस वीडियो में, और कोई आपको अगर अप्लाई करना हो अगर आपको इसमें किम्स आईपीओ में, तो आप वेट करिए 2-3 बजे तक का कितना सब्सक्राइब होता है, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो, और इसमें लिस्टिंग गेन काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी आप अगर आपको 10% का चाहिए और इसमें श्योरिटी भी है कि आपको मिलने के चांसेस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसके अगर अपन कमेंट्री देखें अगर अपन किम्स आईपीओ की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म के लिए बताया गया है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें सब्सक्रिप्शन कर सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिकमेंडेशन दे रखा है सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें सब्सक्राइब कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, और थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट इसमें मिल ही जाएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के तो चांस है ही आपको, आपको बाय डिफॉल्ट मिल ही जाएगा ही, क्योंकि सब्सक्रिप्शन कम हुआ है इसका। तो थैंक यू।